प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 मई को झारखंड दौरे में चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 3 मई को चाईबासा में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 मई को पलामू में बीडी राम और लोहरदगा लोकसभा के सिसई में समीर उरांव के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 29 अप्रैल को चतरा में कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें सिंदरी उर्वरक संयंत्र शामिल है, साथ ही साथ रेल, कोयला क्षेत्र और बिजली से भी जुड़ी कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को समर्पित की है। और इस समय जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो धनबाद की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं और सड़क के दोनों किनारे पे लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से गुंजायमान हो रहा है पूरा स्थल। और लोक कलाकार आगे आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कि हाँ, हमारे देश के अंदर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। और जब हम राम की बात कहते हैं, अब ये कहते हैं अड़ंगे लगाने के बाद जब कोर्ट का केस का फैसला हो गया, मंदिर बन गया, भूमि पूजन हो गया, तो इनके लिए ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। आज तक नींद नहीं आ रही, राम जी कहाँ आ गए, अयोध्या क्या हो गया, खाली वोट के कारण। इसलिए इतने अहंकारी के पहले जो अड़ंगे लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ये भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण में नहीं आए। और नहीं आए तो नहीं आए, निमंत्रण भी ठुकरा रहे हैं। अरे किसका निमंत्रण? हम जानते हैं गांव के क्षेत्र के लोग हैं, कोई किसी दुश्मन भी कोई निमंत्रण देने घर पे आए तो अपन जाए या ना जाए, आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन कम से कम निमंत्रण वालों का तो सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लगे जैसे पाकिस्तान वाले बुला रहे हैं। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का क्या सोचते हैं ये? नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे लिख करके निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो बुला ही रहे हैं अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया तुम्हारा गठबंधन देख लिया, तुम्हारा घमंड देख लिया, भगवान की दया से आज का तो अपना वोट अब किधर जाना चाहिए। हमको मालूम है जब जब इस प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, समय बदलता है, तो समय बदलने में भी धर्म के मार्गों को स्थापित करने के लिए गोपाल कृष्ण ने हमेशा अपनी भूमिका अदा की। बोलो की के नहीं की है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक जनसभा होने वाली है तो चतरा लोकसभा में होता है, वहाँ पर 3:30 बजे एक बड़ी सभा आदरणीय मोहन यादव जी संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद फिर रांची आएंगे। रांची में इसी स्थान पे कल प्रेस ब्रीफिंग भी होगा और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने का काम करेंगे। मैं तो सावधिक कुछ बोला भी आपके सामने कि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3 तारीख को चाईबासा में, 4 तारीख को 9:30 बजे पलामू का चियाकिया होटा पे और 12:30 बजे लोहरदगा लोकसभा के शीशे में प्रधानमंत्री वाले जनसभा को संबोधित करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3 तारीख को प्रधान की धरती चाईबासा में लगभग 3 बजे वहां आकर एक मंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और 4 तारीख को प्रातः 9:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पलामू की धरती चियाकी हवाई अड्डा पे सभा को संबोधित करने वाले हैं और दोपहर 12:30 बजे लोहरदगा लोकसभा अंतर्गत शीशे में
एक महती जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।